वेलकम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का पुलाव। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। ये मैंने 150 ग्राम ऑयल लिया है रिफाइंड। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़ीरा। ये मैंने एक चम्मच ज़ीरा लिया है, और जब ये थोड़ा सा चटक जाएगा तेल में तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज। ये मैंने एक प्याज ली है और एक साइज़ में इसे काट लिया है। अब हमें प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें प्याज में कोई कलर नहीं लाना है, बस हमें हल्का सा तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। और बस इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च। ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है और बीच में से काट लिया है। और मैंने एक ही टमाटर लिया है, उसे गोल गोल पीसेस में काट लिया है, मोटे मोटे पीसेस में काटा है मैंने, बारीक पीसेस में हमें नहीं काटना है इसे। चलिए इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। चलिए इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1.5 चम्मच नमक लिया है मैंने। चलिए इन्हें भी हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं चने की दाल। ये मैंने 200 ग्राम दाल ली है चने की, और मैंने इसे 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। चलिए इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल के अंदर दाल को, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दाल के अंदर। तो जब ये हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। ये मैंने 3 गिलास पानी लिया है इसमें। इस पानी को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और एक बार हम इसे चला लेंगे। अब हम ढक्कन ढक देते हैं और एक उबाल आने तक इसे पकाना है। अभी हमें चावल ऐड नहीं करने हैं, जब उबाल आएगा जब ही चावल ऐड करेंगे हम। चलिए उबाल आ चुका है। ये मैंने 1/2 किलो चावल लिए हैं, बासमती राइस लिया है मैंने, ये कच्चा, इसे ऐड कर देते हैं। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से चला लेंगे और आराम आराम से हमें चलाना है। मैंने नमक चखा था तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा, तो इसलिए मैं 1/2 चम्मच नमक और ऐड कर रही हूँ इसमें। पानी में थोड़ा तेज़ नमक होना चाहिए, जब भी हमारा चावलों में बिल्कुल परफेक्ट नमक होता है, वरना हमारे चावलों में नमक कम लगेगा। चलिए मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी कुकर में, और इतने में हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चलिए 3 से 4 सीटी लग चुकी है, अब हम कुकर खोल रहे हैं। देखिए हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और हमारा चावल अच्छे से गल चुका है, देखिए। और हमारी दाल भी गल चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे चने की दाल के पुलाव बनकर रेडी है। और देखिए बिल्कुल अच्छा चने की दाल का पुलाव बनकर हमारा रेडी हुआ है। अब चलिए हम इसे सर्व करते हैं, और चावल भी बिल्कुल हमारे खिले खिले हैं। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और आप इसे इंजॉय कीजिए चटनी के साथ। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च की चटनी पीसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।